लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। यो कैसे आप सब, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं करने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सा चैलेंज जिसका नाम है लिविंग इन रुपीज 100 फॉर 24 आवर्स। मतलब मैं 100 रुपए के नोट में पूरा दिन बिताने वाली हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आसान चीज़ नहीं है। मतलब जो मैंने 30 रुपये का चैलेंज किया था इससे ज़्यादा ही मुश्किल था, पर ये थोड़ा मेरे लिए ईजी रहेगा। और इसमें मैं पानी इंक्लूड नहीं कर रही, पहले ही बता दूँ। तो अभी ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी फर्स्ट मील के साथ आ चुकी हूँ। मेरी फर्स्ट मील में है ये वेज मोमोस जो मैं 10 रुपीज़ के लाई हूँ, और ये मेरे लिए गन्ना अपनी है बिल्कुल भी। और यार मैंने मतलब 5 मोमोज में ब्रेकफास्ट किया, तो इसीलिए लाइक शेयर वगैरह कर देना। और मैं न्यू हूँ चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन तो आप क्लिक कर दोगे, बताने की जरूरत नहीं ना। नहीं तो अभी ये 10 रुपीज़ के मोमो से काम चलाते हैं। अभी हमारे पास बाकी पूरा दिन सर्वाइव करने के लिए 90 रुपये बचे हैं। 10 रुपये के मोमोज आ गए, जो बहुत भूख लग रही है, जल्दी जल्दी मोमोज खा लेती हूँ। मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है। पर नॉन वेज ज़्यादा अच्छे होते हैं, पहले भी नहीं खा सकते हैं। डोंट डू दिस डैड। अभी पानी पी से मेरा शौक, जब तक मैं खा रही हूँ आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने तो खा ली अपनी ये प्लेट, और मुझे अभी भी भूख लग रही है खाने के बाद। मतलब मैं बहुत भूख करूँ, और ये खाने के बाद मेरे को अभी और भूख लग रही है। तो यार लंच पे थोड़ा जल्दी चलेंगे खाने के लिए, तो मुझे अभी भी भूख लग रही है, थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। तो अभी हमने लिया है ये क्या कहते हैं इसको, भरे हुए गोलगप्पे, और इसमें है 2 आटे वाले, 2 हैं सूजी वाले, मतलब 4 सूजी वाले हैं। चारों में भल्ले की स्टफिंग है, और 2 जो सूजी वाले हैं उसमें आलू की स्टफिंग करवाई है मैंने, और ये बहुत टेम्पटिंग दिख रहा है। और अभी लंच का टाइम है, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं लंच का टाइम हो रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, तो अभी खा लेते हैं पहले जल्दी जल्दी, बहुत भूख लग रही है। पर आपको ऑडियो क्वालिटी की हो जाएगी, तो मैं कैसे खाऊँ तो खा के बताती हूँ आपको, ठीक है। तो अभी हम इसको जल्दी जल्दी खा लेते हैं, मैं आपको टेस्ट बताऊँगी कैसा है। बहुत यम्मी है, मैं पूरा खा के आपको टेस्ट बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट है, ये सूजी वाला है, आटे वाला भी बहुत ही यम्मी था। इसके अंदर इन्होंने किया है आलू की स्टफिंग, और दही वाले भी, दही भल्ले वाले जो थे वो भी बहुत ही यम्मी वाली स्टफिंग थी। और इन्होंने सॉस डाली है, एक ग्रीन वाली एक मीठी वाली जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट की चटनी, वो डाली है। और इस पर डाली है दही और भुजिया, प्याज और थोड़ी धनिया, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये मील हमारी हुई 30 रुपीज़ की, तो हमारे हो गए टोटल 40। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ अगले मील के साथ, और मैं बता दूँ कि हमारे, सॉरी मेरे 2000 years later, मेरे सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ बचे हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या और पूरा दिन सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलो अभी दूसरे मील के साथ मिलते हैं। तो अभी हमने ली है ये स्प्रिंग रोल की प्लेट, और ये 40 रुपीज़ की है। वैसे तो हमने 2 ली थी, एक मेरी है और एक मम्मी ने अपने लिए ली है, तो ये मेरी है, तो ये है 40 की। और अभी मेरे पास बचे हैं 20 रुपीज़, तो डिनर के लिए मेरे पास सिर्फ 20 है। तो अभी मैं ये वाली खा लूँ, ठीक है, ठीक है। अभी मैं ये खा लेती हूँ फटाफट।
मीठा और क्रंची, आप लोग पता ही है स्प्रिंग रोल का टेस्ट। और इसके साथ हमें मिली है मेयोनीज एंड तीखी वाली सॉस जो बहुत अच्छी है, और नूडल, कैबेज और कैरेट और कैप्सिकम है इसके साथ, और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। तो मैं मील इंजॉय कर लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ मील इंजॉय करने के बाद। दीदी तुम यहाँ से खिसको, इट्स अ टाइम टू डिस्को, ला 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 ला। दीदी तू यहाँ से खिसको, शूटर। अच्छा तो अभी मैं थोड़ा इतना इतना सारा जंक फूड खा लिया, तो थोड़ा ना डांस कर करके अपना वजन थोड़ा कम कर रही थी, बहुत ज़्यादा खा लिया है वीडियो के चक्कर में, और 100 रुपीज़ में मैं बैठ जाऊँ। ठीक है, ऑब्वियसली मैं 20 का ही, ऑब्वियसली मैं 20 का ही करूँगी, क्योंकि और पैसे नहीं है हमारे पास, हम गरीब हो गए। और हाँ एक बात और, आज मैं देने वाली हूँ शाउट आउट जो मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि आप लोग वीडियो एंड तक देखते ही हो, जो वीडियो यहाँ तक एंड तक देखेगा उसे पता चलेगा कि उसका नाम आया है कि नहीं, और अगर आपने नहीं देखा तो सॉरी फॉर दैट, पर आपको देखना चाहिए। और काफ़ी चला करे वो वीडियो पहले ही देख के हट जाते हो, पूरा देखा करो यार, एंड तक देखा करो, क्या पता मैं कभी शाउट आउट, अब मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा शाउट आउट दे सकूँ, तो कुछ शाउट आउट मैंने चूज़ किए हैं, बाकी को भी जल्दी दे दूँगी। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे भी यहाँ कहाँ पर शो कर दूँगी कमेंट को। ठीक है, फर्स्ट शाउट आउट है बेबी गर्ल 02, जिन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे, मैं बता दूँ ये मेरे वो जो बर्थडे व्लॉग था उसमें कमेंट था, मिस क्यूटी सॉरी मुझे आपका नेम नहीं पता, मेरा नाम कुसुम है, मैंने आपको कोहे भैया के चैनल से सब्सक्राइब किया, थैंक यू है, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस किया है, आप शायद बोलना चाहते हो, एंड गॉड ब्लेस यू, आई होप यू ऑल ड्रीम्स आर ट्रू, मेरा भी ड्रीम है कि आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो, करोगे, कर दो यार जल्दी सब्सक्राइब कर दो, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। ठीक है, और भी मुझे हैप्पी बर्थडे के बहुत मैसेज आए थे, पर ये जो बेबी गर्ल 02 है इन्होंने मुझे इंस्टा पे भी जाके फॉलो किया था, तो आप लोग भी मुझे इंस्टा पे जाके फॉलो करो ताकि मैं आपके भी कमेंट्स को वहाँ रीड कर सकूँ, तो यार इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है 2021 चैनल, ठीक है इनका है चैनल का नेम है, ठीक है, प्लीज़ 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 गिव मी अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो, मैंने आपको शाउट आउट दे दिया, यू आर सच अ नाइस यूट्यूबर, द बेस्ट वन, थैंक यू, पर मुझे लगता मैं ज़्यादा बेस्ट हूँ क्योंकि यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे लोग काम, मतलब यूट्यूब पे तो सभी बहुत मेहनत से काम करता है, एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए सब लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और सुपर गर्ल्स भी, जो सुपर गर्ल्स है उन्होंने भी मेरे को हमें हर वीडियोज में कमेंट करते हैं, तो उनका भी मैं बता दूँ, उन्होंने कहा है नाइस, तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू आप मुझे कमेंट करते हो। भावना दिलानी दीदी को मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो इतने स्वीट कमेंट लिखते हैं ना कि मेरा मन करता हर वीडियो में उन्हें शाउट आउट दे दूँ, मतलब मेरा दिल छू जाते कमेंट, मेरी बहन और मैं वेट करते हैं कि स्पेशली आपका कमेंट आए और हम पढ़ सके, मतलब ऐसे कल आपका कमेंट शो नहीं हो रहा, हमारा बहुत चिंता हो गई थी कि क्यों कमेंट शो नहीं हो रहा, दीदी ने क्यों कमेंट नहीं किया ऐसा। ठीक है, कृष्णा क्रिएशन, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई, बट आप मुझे हर वीडियो में कमेंट करते हो और मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, है ना, तो आपने इतने कमेंट किया तो मैंने उसमें से बस एक पिक किया है, ये वीडियो मुझे वीडियो याद नहीं आ रही, तो इन्होंने लिखा है सो स्वीट वॉइस नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, हाँ आयरन काइट, इन्होंने लिखा है मुझको समझ नहीं आया कि आपने कैसे अपनी भूख कंट्रोल किया, बहुत मुश्किल से, और आप पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो, मतलब वीडियो में पूरा दिन तो मैं नहीं लगाती, हाफ मतलब मैनेज हो जाता है, जो फ्री टाइम बचता है मैं उसमें वीडियो बना लेती हूँ, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। एक है खुर्शीद सलमानी, सॉरी नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया, तो यस प्लीज़ अपनी दीदी के साथ 24 आवर चैलेंज करो, तो हाँ मैं ज़रूर उनके साथ करूँगी, और सोनी गौर दीदी को भी, उनका भी कमेंट मैंने पिक कर लिया, शरारती बच्ची, थैंक यू।
मैं हूँ ऐसे जरादी, ठीक है। तो ये थे कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स जिनके मैंने रिप्लाई किया। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कमेंट्स को भी रिप्लाई करूँ तो आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर मेरे कोई भी कमेंट सेक्शन पे या मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मैं आपके अगर कुछ ऑफ हो जाए कुछ भी तो मैं उसकी रिप्लाई दे दूँगी। तो और इंस्टा पे जाके आप फॉलो कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो प्लीज़ कर दो ना। इस आपको स्टार्टिंग में जो मैंने एक्टिंग की थी शिनचैन की उसमें आपको मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही थी। कमेंट सेक्शन में आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी। मेरे चैनल के अबाउट वाले पेज पर भी आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी शो हो जाएगी और आप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। और उस पर डिस्क्रिप्शन में भी ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। तो यार अभी आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी है, लेकिन अभी मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे मील भी खाना है। तो मैं मील के लिए लाई हूँ सॉरी मील के लिए गुब्बारा। हाँ मील के लिए मैं लाई हूँ ये हल्दीराम का हल्दीराम का ये सॉल्टेड क्या नाम है इसका सेंधा नमक से हल्दीराम वालों मुझे बताओ क्या इसमें सच्ची में सेंधा नमक है कि टाटा नमक है, बताओ मुझे अभी। वैसे आप मुझे कभी सेंधा नमक और टाटा नमक का डिफरेंस नहीं बता सकते। सेंधा नमक व्रत में यूज हुई जो फास्ट वगैरह पे, पर मैं तो व्रत ही नहीं करती कभी। तो ये चिप्स मेरे फेवरेट बन चुके हैं अभी लॉकडाउन से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हल्दीराम के चिप्स। और यार मैं बोलूँ और भी कमेंट हैं मुझे उनका भी रिप्लाई देना, पर यार मैं और कमेंट को रिप्लाई करूँ उससे पहले प्लीज ना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो कि अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो और मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। अगर यहाँ के क्या तो आपको थोड़ी अच्छी लग गई होगी शायद, वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। पहले कितने और हाँ मैं बताना भूल गई कि मैंने क्या क्या खाया, और मैं खुद भी भूल गई कि मैंने क्या खाया। पहले इसको थोड़ा सा रखता है, बहुत खा लिया, मुँह छिल गया मेरा, ठीक है। तो सुबह मैंने खाए थे 10 रुपीज के मोमोज, फिर मैंने खाए थे 30 रुपीज के गोलगप्पे 40 रुपीज, फिर मैंने खाए थे वो 40 रुपीज के स्प्रिंग रोल कितना हुए 80, एंड दिस इज 20 रुपीज का चिप तो इज इक्वल टू 100, तो मेरा 100 रुपीज। तो मेरा 100 रुपीज चैलेंज बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ये गिर गया। मेरा 100 रुपीज चैलेंज यहीं तक था। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं तो आप मेरी वीडियो देखा करो। हाँ मैं कलरफुल चैलेंज भी जल्दी करने वाली हूँ और भी बहुत अच्छे अच्छे चैलेंज करने वाली हूँ, तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे मैं हर बार बोलती हूँ। और यार वीडियो वॉच कर लिया करो ना एक बार, और एक वीडियो एंड तक देखो, मेरी दीदी को नींद आ रही है ऐसे कर दिया। तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मैं खत्म कर देती हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और न्यू हो चैनल पे और ओल्ड हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, दोनों के लिए कंपलसरी है, सबके लिए कंपलसरी है। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, एकदम फ्री है, मुफ्त है ये सब कुछ, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, तो आप कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।